जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो फिजिकल टिप्स। ठीक है दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरे को मैसेज आ रहे हैं सर नौकरी के बारे में, कई बच्चों की जो नौकरी की प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक करें, कौन कौन सी नौकरी के जो पॉइंट होते हैं मेडिकल में दिए जाते हैं, चाहे आप SSC GD का मेडिकल दे लो, आर्मी का मेडिकल दे दो, या RPF कॉन्स्टेबल दे लो, रेलवे का, सॉरी रेलवे में होता नहीं मेडिकल, लेकिन बाकी जो स्टेट पुलिस के जो भी मेडिकल होते हैं उनमें, या दिल्ली पुलिस का मेडिकल दे लो, इनमें जो नौकरी का पॉइंट है उस कौन से तो पॉइंट मिलता है, किनको पॉइंट मिलता है, और किस प्रकार से आपकी नौकरी होनी चाहिए, अगर आपकी नौकरी है नॉर्मल तो क्या उसको ठीक कर सकते हैं या नहीं ठीक कर सकते, उसकी प्रॉब्लमों को कैसे ठीक करें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप सामने देख रहे हो दो प्रकार की जो आपके सामने तस्वीर है, इनमें से मैं बता दूं कि ये जो तस्वीर देख रहे हो इस प्रकार का अगर किसी का है तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें मेडिकल पॉइंट नहीं मिलता, ये नहीं, मेडिकली क्या है, फिट है। लेकिन अगर आपकी इस प्रकार से टच हो रही है, दोनों के दोनों घुटने अगर आपके इस प्रकार से टच हो रहे हैं तो आप मेडिकली क्या हो, अनफिट हो। ठीक है, मेडिकली अनफिट हो। अगर आप जैसे आपको खड़ा किया जाता है, किस प्रकार से खड़ा किया जाता है ये पोजीशन देख लो, दोनों पैरों को आप मिला के अपने आप को चेक कर सकते हो, दोनों पैरों को मिला के क्या आपके टच हो रहे हैं। ठीक है, दोनों पैरों को मिला के आप चेक कर सकते हो कि आपके आपके जो घुटने हैं वो टच हो रहे हैं एक दूसरे से, अगर टच हो रहे हैं तो आपके मेडिकली पॉइंट है किसका, नोकनी का। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है अगर इसकी बात करें, इसके अलावा आप देखिए अच्छे से, ये सबसे परफेक्ट है अगर किसी का इस प्रकार से, तो बिल्कुल परफेक्ट साइज है, नौकनी इस प्रकार से होनी चाहिए आपकी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर इस प्रकार से आपके पैर, आप दोनों पैरों को मिला के खड़े होते हो, तो अगर आपके इस प्रकार से तो ये ज्यादा वाइड है तो भी आपको पॉइंट मिल सकता है, अगर ज्यादा वाइड है तो भी आपको पॉइंट मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ये तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम है, ये नहीं है तो बिल्कुल मेडिकली अनफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको ठीक करने का भी एक तरीका है, इसको ठीक करने का भी एक तरीका है, तो उसके लिए भी आप चिंता ना करें, एक तरीका इसको ठीक करने का भी है। ठीक है, किस प्रकार से इसको ठीक कर सकते हो वो भी एक तरीका है। अब देखिए इसमें भी आप स्पष्ट देख सकते हो, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है, यानी ये इस बच्चे के जो जिनके इस प्रकार से घुटने हैं उनको मेडिकली अनफिट होना पड़ता है, लेकिन इसका इलाज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये ज्यादा वाइड है इसलिए इसको भी पॉइंट मिल सकता है, लेकिन हाँ इसके पॉइंट मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसको मेडिकली ज्यादातर फिट कर देते हैं। अगर नॉर्मल ये ज्यादा ही वाइड है तो पॉइंट मिलता है, अगर नॉर्मल ये तो उसका पॉइंट नहीं मिलता है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम बहुत ही कम लोगों को है, ज्यादातर जो लोगों बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को आती है। ठीक है, कि उनके दोनों घुटने टच होते हैं, नोकनी टच होती है, तो उसका क्या है प्रॉब्लम, उसका समाधान क्या है। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हो इस प्रकार से यहां से जो घुटने मिले हुए वो, ठीक है देखो दोस्तों, इस प्रकार से आप ला सकते हो, अगर कहीं पे मिल जाएगा ये मार्केट में, ये आप खुद से बनवा सकते हो, कहीं से भी मार्केट में मिल जाएगा इस प्रकार का। और जब आप सोते हो, सोते टाइम इसको दोनों पैरों में देखो डाल रखा है, किस प्रकार से दोनों साइड से इस प्रकार से पट्टी से डाल रखा है, तो इसको इस प्रकार से पट्टी से डाल के और घुटनों के बीच में जब आप डालोगे, घुटनों के बीच में डालोगे सोते समय, नाइट में सोते समय, या जब भी आप फ्री हो या करना चाहो तब आप सोते समय, एक्सरसाइज भी बताऊंगा, लेकिन सोते समय इस प्रकार की गद्दी बना सकते हो। अगर आप इस प्रकार की नहीं बनाते हो तो घर में जो तकिया होता है उसका यूज कर सकते हो, लेकिन उस प्रकार से पैरों को थोड़ा सा पट्टी से बांधना भी है, केवल डालना नहीं, डालेंगे तो पैर वाइड हो जाएंगे, पैरों को इस प्रकार से डाल के घुटने पर और इस प्रकार से आप सो सकते हो, तो उससे भी आपके अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इस प्रकार से ये प्रक्रिया कितने दिन करनी है, कम से कम 1 से 1.5 महीना करनी है, उसके बाद में रिजल्ट देखना, ना कि एक दिन करके आप देखो। ठीक है, उसके अलावा वही चीज है, सोने के सोते टाइम इस प्रकार से आप देखो डाल सकते हो घुटनों के बीच में, और यहाँ पर आप एक पट्टी लगा सकते हो कोई भी, ज्यादा देर पट्टी को ज्यादा टाइट नहीं बांधना, नहीं तो पैर का खून बंद हो सकता है, इतना टाइट नहीं बांधना, बिल्कुल नॉर्मल पट्टी से बांध के इस प्रकार से आप सो सकते हो, तो इससे आपकी नोकनी की प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है। ये ठीक होने का तरीके है, ये देखो जब भी सोते हो आप तकिया भी, जो आपका तकिया होता है उसको भी इस प्रकार से यूज कर सकते हो। ठीक है, तकिया को भी सोते समय यूज कर सकते हो, सोते टाइम अगर आप तकिया है या कुछ भी है इसको पैरों के बीच में यहाँ पर दोनों घुटनों के बीच में डाल के फिर सोइए, ताकि आपकी नोकनी की प्रॉब्लम जो है, जो नोकनी की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में काफी मदद करता है ये। ठीक है, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हो आसानी से, ये तरीके। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है वो भी बताऊंगा, ये इस प्रकार से बैठ के भी आप डाल सकते हो, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि बैठ के आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो एक्सरसाइज है बटरफ्लाई जो एक्सरसाइज बोलते हैं, इसमें क्या आपके पैरों को इस प्रकार से देखो, पैर को नीचे की तरफ पुश करना है, ऐसे जितना हो सके उतना नीचे की तरफ पुश करना है, पैरों को इस प्रकार से पकड़ के ऐसे हिलाना है। ठीक है, जितना हो सके उतना नीचे की तरफ करना है, फिर भी नहीं हिले तो एक हाथ इधर यानी जैसे ये है ऐसे लगा के ऐसे पुश करना है। ठीक है, इसको
इस करने से भी, ये भी एक एक्सरसाइज आप सुबह सुबह जब भी करते हो रनिंग वनिंग, लेकिन ये एक्सरसाइज तभी करें जब आपका शरीर क्या है गर्म है, यानी आप रनिंग वनिंग करके आए हो उसके बाद में ये जो बटरफ्लाई एक्सरसाइज है तभी करें, तो इससे भी आपको फायदा मिल सकता है। ठीक है, फायदा मिलेगा, आप ट्राई करोगे तो जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, इसका भी आपका फायदा 100% होगा, अगर नॉर्मल नौकरी है तो आपको 100% फायदा होगा। ठीक है, इसके अलावा ये एक्सरसाइज भी कर सकते हो जिसमें देखो इस प्रकार से जो इसको है इधर की तरफ यानी बाहर की तरफ पुश करना है, इसको किधर करना, सीधा नहीं थोड़ा सा हल्का बाहर की तरफ पुश करना है, पीछे के पैर को सीधा करके इस पैर को बाहर की तरफ पुश करना है, हल्का सा पुश करना है, ज्यादा भी नहीं करना है, कहीं पैर में चोट वोट खा लो, हल्का हल्का पुश करना है दोनों पैरों को बारी बारी। कब करना है ये, रनिंग करने के बाद में, कब करना है, आफ्टर रनिंग, रनिंग करने से पहले ये ना करें। ठीक है, रनिंग करने से पहले करने का कोई फायदा नहीं, शरीर गर्म हो तभी ये एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज भी कर सकते हो इस प्रकार से, घुटना उठा के और इन्होंने ऐसे पकड़ रखा है, इस प्रकार से ना पकड़ के आप इस घुटने पे हाथ रखिए। ठीक है, यहां पर हाथ रखिए और इसको पुश करिए ऐसे, जितना कर सकते हो ऐसे उतना, ज्यादा भी एक साथ नहीं करना, और करना कब है जब शरीर गर्म हो, यानी रनिंग करने के बाद में, ऐसे ज्यादा ही पुश मत कर देना। ठीक है, ज्यादा पुश कर दोगे तो चोट खा लोगे, नॉर्मल पुश करना, दोनों पैरों को इस प्रकार से एक्सरसाइज करें, पैरों को ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे भी करें ऊपर नीचे, और साथ में ये भी करें रनिंग करने के जस्ट बाद में करें। कब करें, रनिंग के बाद में। ठीक है, आफ्टर रनिंग की एक्सरसाइज है ये, ध्यान रखना। ये एक्सरसाइज भी कर सकते हो, देख लीजिए आप एक्सरसाइज जो आपको दिख रही है सामने, इस प्रकार से घुटने को फोल्ड करके इस प्रकार से पकड़े, और ये देखो घुटना, इसको सीधा रखने की कोशिश करें, जो घुटना है इसको सीधा रखने की कोशिश करें, इस प्रकार से इसको क्या करें, पुश करें। ये एक्सरसाइज भी करनी है, लेकिन कब, जब आपका शरीर गर्म हो, ठंडे शरीर में ये करने से, यानी अगर आपने रनिंग वनिंग नहीं किया, शरीर को वार्म अप नहीं किया, ये करने से आपकी किसी न किसी नस में खिंचाव आ सकता है, तो बिल्कुल ही बिना रनिंग के, या जब तक आपका शरीर क्या नहीं हो, गर्म ना हो, तब तक ये एक्सरसाइज कोई भी ना करे। ठीक है, ये एक्सरसाइज ना करे कब तक, जब तक आपका शरीर गर्म ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। तो नौकनी की जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने जो एक्सरसाइज बताई है, ठीक है, उसके अलावा जो तरीका बताया तकिया वाला वो अपना सकते हो। बाकी अब आपको किस लेवल की नौकरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, एसएससी जीडी या आर्मी या किसी भी एग्जाम की, आरपीएफ कॉन्स्टेबल या इनसे संबंधित किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो अपना दूसरा जो चैनल है कमांडो अकेडमी, उस चैनल से जुड़ जाइए और हर रोज वहां पर लाइव क्लासेस लीजिए, एसएससी जीडी आर्मी सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत।